दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं पंचायत सहायकों और रोजगार सेवकों के लिए एक बहुत बड़ी जानकारी। दोस्तों, निवेदन करता हूं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। दोस्तों, रोजगार सेवकों को किया जाए नियमित, उन्हें दिया जाए राज्य कर्मचारी का दर्जा। रोजगार सेवकों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा है ज्ञापन। कोपागंज में कार्यालय के सामने खड़े होकर बुलंद की आवाज़। दोस्तों, आपको बता दूं, जैसे जैसे चीज़ें एक दूसरे से छीनी जा रही हैं वैसे वैसे लोग सरकार से नाराज़ होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आने वाले समय में बहुत कुछ परिवर्तन देखा जा सकता है अगर बात करें एक ग्राम पंचायत के विकास को लेकर। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि रोजगार सेवकों को नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने, कोविड कमल में मृतक आश्रितों को उसी पद पर समायोजन कराने आदि विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को कई ब्लॉकों में प्रदर्शन हुआ। कर्मियों ने खंड विकास स्थल पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित कर ज्ञापन वीडियो को सौंप कर मांगों को पूरा करने की आवाज़ उठाई। दोस्तों, अगर मैं बताऊँ तो उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष ने के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय मांगों पर खंड विकास अधिकारी को पत्र सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए जिला महामंत्री और तमाम ग्राम रोजगार सेवकों ने लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में मुख्यमंत्री की घोषणा को याद दिलाते हुए वादा पूरा करने की मांग की। दोस्तों, आपको बताऊं तो ग्राम रोजगार सेवकों के अनुसार खंड विकास कार्यालय के सामने खड़े होकर रोजगार सेवकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मांग किया कि हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए। 10 सूत्री पत्रक कार्यक्रम अधिकारी को सौंपा गया। अनुमोदन से विरक्त ग्राम रोजगार सेवक विकास खंड मुख्यालय पर बैठक में कहा कि पिछले वर्ष अक्टूबर माह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम रोजगार सेवकों और मनरेगा कर्मियों के संबंध में घोषणा किया था। इसको आज तक लागू नहीं किया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए इसको लागू किया जाए। मूल ग्राम पंचायत के साथ साथ रिक्त ग्राम पंचायतों में भी काम किया जाए। कोविड के अतिरिक्त आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु पर उनके आश्रित को समायोजित किया जाए। इस दौरान तमाम ग्राम रोजगार सेवक वहां उपस्थित रहे। अगर मैं आपको बताऊं तो 10 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को रोजगार सेवकों ने खंड विकास अधिकारी को मांग पत्र सौंपा। यानी कि कई जगहों पर कई ब्लॉकों में ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और राज्य कर्मचारी बनाने का दर्जा मांगा गया। दोस्तों, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं अगर मैं आपको बताऊं तो CSC VLE का काम भी अब ग्राम पंचायत सहायक को दे दिया गया है। मनरेगा के भी कई सारे काम अब ग्राम पंचायत सहायक को दिए जा रहे हैं। अगर मैं बताऊं तो आने वाले समय में कई कुछ योजनाएं हैं जो अब सीधे तौर पर ग्राम पंचायत सहायकों को दिए जाएंगे। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए तो ग्राम पंचायत सहायक अब आने वाले समय में विकास के धुरी नज़र आएंगे। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको बताऊं तो ग्राम रोजगार सेवकों को ध्यान में रख के सरकार को कोई न कोई कदम ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पिछले 10 से 15 सालों से अपने ग्राम पंचायत में लोगों की भलाई कर रहा है, लोगों के कामकाज को ब्लॉक स्तर से बड़े आसानी से करवा रहा है, अगर उनसे काम छीन लिया जाता है तो उन लोगों को आमदनी कहाँ से होगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए और आने वाले समय में अगर आप ग्राम पंचायत सहायक हैं या ग्राम रोजगार सेवक हैं तो अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़िए। अगर आपको सरकार के द्वारा किसी भी चीज़ पर प्रस्तावित किया जाता है तो उस प्रस्ताव की कॉपी आप लगाइए और ज्ञापन सौंपिए। अगर आपकी बातें, आपकी शर्तें मंजूर करने लायक होंगी, यानी कि अगर आपकी जो भी घोषणाएं आपके को लिए की गई थी, अगर उस चीज़ को लेकर सरकार अभी अमल नहीं कर रही, तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपकी सभी मांगों को मांगी जा सकती हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।